हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम ट्रैवलर के एस। और आज हम आपको टाइम ट्रैवल करवा के लेके जाने वाले हैं महाराजा यादविंद्रा क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, इस ब्लॉग में आपको मिलेगी पूरी जानकारी स्टेडियम की, जैसे कि रूट, टिकट प्राइजेस और फूड कोर्ट में क्या क्या होता है, सारी आइटम्स बताएंगे क्या प्राइजेस होते हैं वहाँ के। हाँ जी, लुधियाना से चले हैं हम और ये टिकट्स ली थी हमने। ये टिकट का प्राइस है 1600 रुपये, 1500 की टिकट है, बाकी टैक्स वैक्स डाल के हमें 1600 की एक टिकट पड़ी है। और ये पूरे पंजाब 11 की हमने जर्सी भी पहन ली है, बाकी हम फैन तो आरआर टीम के हैं, बट आज सपोर्ट पंजाब को ही करेंगे क्योंकि हम पंजाब को ही बिलोंग करते हैं। तो लो जी, सफ़र शुरू हो गया एक्साइटमेंट के साथ और खूबसूरत रास्ता, बहुत ही अच्छा वे बन चुका है ये लुधियाना से चंडीगढ़ के लिए। हाँ जी, हम पहुंच गए हैं बिल्कुल लास्ट टर्न, जो है लास्ट तो नहीं है, जो मेन मुल्लांपुर की ओर टर्न करेंगे ना, वो आपको ये करड़ वाला पुल जो लास्ट एंड हो जाता है जब हम रोपड़ या लुधियाना से चंडीगढ़ आते हैं, तो खरड़ वाला जहाँ पे एंड होता है सामने ये व्हाइट बिल्डिंग है गोपाल स्वीट्स वाली, ये यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का, ठीक है। राइट साइड आपका आ जाएगा हवाई अड्डे की ओर, जहाँ एयरपोर्ट बोलते हैं जिसे, और लेफ्ट साइड हम जाएंगे ये स्टेडियम के लिए। ये हम टर्न कर रहे हैं, थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको फील होगी, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे रास्ता खराब था और ये सीधा सनी एनक्लेव वाला रोड है, 182 सेक्टर का बोर्ड लगा था वहाँ पे। ये सीधा हम अब स्टेडियम की ओर जा रहे हैं। हाँ जी, लेफ्ट टर्न करने के बाद जैसे ही हम आगे पहुँचते हैं तो एक आपको ये गोल चक्कर मिल जाएगा, यहाँ से राइट टर्न करना है। ये यहाँ से सामने ही 400-500 मीटर पे वो स्टेडियम है, अब ये आगे जाके आपको दिख जाएगा स्टेडियम, लाइट्स दिखेंगी। और लेफ्ट साइड पार्किंग है, ये लगा हुआ है बोर्ड पार्किंग का, P4 और P3 की। P4 जो है VIP पार्किंग है, P3 है नॉर्मल लोगों के लिए। यहाँ पे सीधे ही मक्का टू, जैसे कि जिसे बोलते हैं लॉर्ड्स की कॉपी, फर्स्ट कॉपी ऑफ लॉर्ड्स, ये आपको सामने दिखाई दे गया होगा। यहाँ पहुँचते ही क्रिकेटर्स की आती है जान में जान, और ये थोड़ा सा आगे जाके ही लेफ्ट में P3 की पार्किंग है। जहाँ दोस्तों मिल रही है टी शर्ट्स, ये काफ़ी सस्ती है यहाँ पे, ये लोग आपको 200 रुपये कम से कम रेट बोलेंगे, बट हमने ली 180 की। और थोड़ा आगे जाके एक बंदे ने बताया कि ये 150 रुपये की दे रहा है वो, और ये ऐसी टी शर्ट है, कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं होती बट मैच में पहनने के लिए ठीक होती है। ये बेचारा पहले ही सैम करन चल नहीं रहा, ऊपर से उसका नाम पहले ही खराब कर दिया यहाँ पे, देखिए सैम चूरन। दोस्तों यहाँ से होते हैं गेट नंबर शुरू, यहाँ से जो हम पार्किंग से आगे आते ही लेफ्ट साइड मुड़े हैं, यहाँ से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर तक ये गेट जाते हैं।
ये आपकी टिकट के ऊपर लिखा होगा कि आपने किस गेट से एंट्री करनी है। पहला गेट नंबर होगा, मेन गेट बोलते हैं इसको, ये 4 से लेके 11, मतलब 1 से 11 ही है, बट ये हमारा 11 नंबर गेट था। और इसके आगे भी लिखा होता है टिकट पे, एक इंटरनल गेट होता है, वो E1 E2 R1 R2 करके ऐसे लिखा होगा। ये 11 नंबर गेट है, देखिए कितनी लंबी लाइन लग गई है यहाँ पे। 4:30 पे एंट्री थी, हम लोग तो 4 बजे ही पहुँच गए थे, 4:30 की एंट्री थी, तो ये लंबी लाइन में लगना पड़ा हमें। और 4:40 पे जाके हमारी एंट्री शुरू हुई है अंदर। मैं हूँ पंजाब, फाइनली तुसी मुंबई वाले हो, गुजरात वाले हो? हाँ जी, ये आ गया हमारा इंटरनल गेट जिसे बोलते हैं E1। यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पे आपकी टिकट भी स्कैन होगी आगे मशीन पे। कर दो, अच्छा अंदर कर दूंगा। थैंक यू। हम पहुंच गए हैं मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। इनटू द पार्क, एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी लाइक रवि शास्त्री। लहरा दिया है हमने पंजाब किंग्स का झंडा। यहाँ पीछे म्यूजिक बहुत चल रहा था, इसलिए डीजे की आवाज हम सुना नहीं सकते आपको कॉपीराइट की वजह से। और देखिए प्लेयर्स भी ग्राउंड में आ चुके हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जब वार्म अप करने के लिए। मेरा टारगेट होगा कि आज आपको ज्यादा मैच ना दिखा के कुछ पर्दे के पीछे की चीजें दिखाऊं, जो मोस्टली लोग जो नहीं ग्राउंड में आ पाते उनके लिए हमेशा एक रहता है कि ये क्या कर रहे होंगे, कैसे होता है सीएट, स्ट्रेटजी टाइम में क्या होता है। हमें भी पहले बहुत एक्साइटमेंट होती थी जब हम ग्राउंड में नहीं आते थे। देखिए ये प्लेयर्स, ये राहुल चहर था, ये देखिए शशांक, और लोग शशांक का इतना क्रेज हो चुका है ना, 2 मैच में 1 मैच जीता है बेचारे ने पंजाब को, और लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं शशांक को देख के भी। तो बाद जी थोड़े वॉलंटियर्स जैसे दिखते हैं टीम के उस उन्होंने भी किसी ने है जो उनका कोई पार्टनर्स नहीं है, जो भी चीजें ने रिसाइकल तो प्लीज उन्होंने तो सीधे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि तुसी स्टे। टॉस का टाइम हो गया है, 7 बजे टॉस हो जाता है। And give it to Sam Curran, the home captain, and he will put it in flight. Here we go. आज संजू सैमसंग ने टॉस जीता और राजस्थान ने बॉलिंग चूज की है। पंजाब की पहले बैटिंग आ चुकी है और यहाँ देखिए चीयर लीडर्स भी पहुंच गई हैं। ये बिल्कुल हमारे पास में ही थी।
ਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਫਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਡਾਊਨ ਟੈਨ ਨਾਈਨ ਏਟ ਸੈਵਨ ਸਿਕਸ ਫਾਈਵ ਫੋਰ ਥ੍ਰੀ ਟੂ ਵਨ देखिए पहले खाली पड़ी थी कुर्सियां, अभी खचा खच भर चुकी है। वो पीछे जो रेलिंग लगी है उसके पीछे वाली 1000 रुपए की है टिकट प्राइस, और ये वाली जहां हम बैठे हैं ये 1650 रुपए में पड़ी है हमें। ये बिल्कुल आगे वाली दूसरी और तीसरी सीट थी, ए से शुरू होती है पीछे को जाती है ये देखिए। मुझे हमेशा एक्साइटमेंट होती थी कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान क्या करते हैं, ये ऐसे प्लेयर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उनके कोच वगैरह आ जाते हैं, ये पानी वगैरह देते हैं और काफ़ी स्टेडियम में एंजॉय किया जाता है ऐसे क्लैपिंग वगैरह करके। जिन्हें होर स्पेक्टेटर्स है तुम इस गेम खेल सकते हो। भाई लोग बहुत एक्साइटेड थे प्रीति जिंटा को देख के, ऊपर से वो बांट भी गिफ्ट रही थी लोगों को फ्री फ्री फ्री। और इनिंग्स ब्रेक में बहुत अच्छा लेजर शो हुआ, ये भी टीवी पे नहीं दिखाया जाता। थोड़ा ऐसा होता है यहाँ पे, और ये प्राइजेज है, पानी 10 रुपये का मिल रहा है, ये पैटी में साथ की साफ सुथरे अच्छे पर न्यू लॉ, पानी तो आपको हर जगह फ्री मिलता ही मिलता है, चाहे स्टेडियम हो चाहे रेस्टोरेंट कोई भी।
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन चुका था। 30 रन चाहिए थे 14 गेंदों में। लोगों की उम्मीदें जाग चुकी थी। पूरा पंजाब दाव पे लगा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये ब्लॉग।